मैंने एमडी किया है, और इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। मैंने करीब 12.5 साल इंडियन एयरफोर्स में जॉब किया, उसके बाद मैंने बालाजी हॉस्पिटल ज्वाइन किया, और आज मैं मेरा खुद का अपना नेचुरल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अपना एक इंस्टीट्यूट है, उसको मैं चलाता हूँ। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हेल्थ के बारे में। जीवन के दो पहलू हैं, हेल्थ और वेल्थ। तो वेल्थ के बारे में तो हमेशा बातें होती रहती हैं, वेल्थ के बारे में तो सारी बातें सीनियर लोग, हम लोग सब करते हैं। आज हेल्थ के बारे में बातें हुई, तो आज मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूँ उसे पूरे ध्यान से, पूरा मन लगा के सुनिएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि यही सारी बातें एक दिन कोई डॉक्टर आपको आईसीयू में समझाए। तो कहाँ पे समझना है, यहीं पे समझना है कि आईसीयू में समझना है? घर में समझ ले तो तो ज्यादा अच्छा है। यहीं पे समझना ज्यादा अच्छा रहेगा। सो पूरे ध्यान से एकाग्रता के साथ सुनिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर ये आर्ट को आप लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 100% हेल्दी रह सकते हो, आप एक ऑप्टिमम हेल्थ को अचीव कर सकते हो। तो चलिए समय ना गमाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक मेडिकल स्टडी के अनुसार जब हमारा जन्म होता है तो ऐसा देखा गया है कि 99.6% बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं, यानी कि हम में से ज्यादातर लोग जब पैदा होते हैं तो स्वस्थ होते हैं। कोई 1%, आधा परसेंट जेनेटिक डिजीज को अगर हम छोड़ दें तो सभी बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं। लेकिन जब हमारे मरने का समय आता है तो 95% तक लोग बीमार होके मरते हैं। इनफैक्ट किसी ना किसी बीमारी के कारण ही डेथ हो जाती है। तो पैदा हुए थे स्वस्थ और मरे बीमार होके, तो ये सारी गड़बड़ कहाँ पैदा हुई और ये क्यों पैदा होती है? ये सारा इसी दुनिया में, इसी संसार में, और हमारे कुछ गलत हरकतों के कारण होता है। जो जिस तरह का लाइफस्टाइल, जिस तरह का खान पान, जिस तरह की जिंदगी हम जीना शुरू करते हैं, वही सारी गड़बड़ी पैदा करती है। तो इसकी पहली वजह तो यह है कि लोग स्वास्थ्य के बारे में बहुत लापरवाह होते हैं, राइट? सो वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते जो उन्हें हेल्दी रखे। इनफैक्ट सारा दिन वो किसी और कामों में बिजी रहते हैं। और दूसरी बात, अधिकांश लोगों को स्वास्थ्य ग्रह यानी वेलनेस मंत्रा के बारे में पता ही नहीं है, राइट? उन्हें ये आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह से हेल्दी रह सकता हूँ, मुझे ऐसे कौन से काम करने चाहिए ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं। तो आज मैं कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये बताने की, आपको ये सिखाने की कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो। वेलनेस मंत्रा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरी को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल। सो कम्युनिकेबल क्या होती हैं? वो बीमारियां जो इन्फेक्शियस होती हैं, जो एक दूसरे से फैलती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो ये लॉकडाउन क्यों चालू है, क्योंकि एक बहुत ही भयंकर कम्युनिकेबल डिजीज मार्केट में आई हुई है। तो एक कोरोना हो सकता है, उसके अलावा कौन सी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, डायरिया, प्लेग, इस तरह कुछ बीमारियां हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, एक दूसरे को फैलती हैं। तो ये बीमारियों को जनरली गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल करती है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने बनाया है। तो जन्म के समय से ही बॉडी को कंप्लीटली स्टेरिलाइज करते हैं। और देखा जाए तो आज कम्युनिकेबल डिजीज काफी हद तक कंट्रोल में है। अब ये कोरोना ने नाक में दम किया है थोड़ा, लेकिन उससे पहले जो मैंने नाम लिए वो सारी बीमारियां आज कंट्रोल में है। सो इसमें करना क्या होता है, इसमें एक ही बचाव है कि हम हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें, और दवाइयों से इनका इलाज संभव है। कोरोना को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी कम्युनिकेबल डिजीज के जो वायरस हैं उनकी दवाइयां हर देश में अवेलेबल हैं, हर कंट्री में अवेलेबल हैं। तो इनसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना की दवाई भी आ जाएगी और बाद में ये भी खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिसका नाम है नॉन कम्युनिकेबल। ये कौन सी बीमारियां होती हैं? ये वो बीमारियां हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज भी कह सकते हैं, इनको हम ऑर्गेन डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर पैदा होती है, राइट? जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, डायबिटीज, और जितने भी आप ऑर्गेन डिसऑर्डर सुनते हैं, स्टमक डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर, ब्रेन के प्रॉब्लम्स, आपके स्पाइन कॉर्ड के प्रॉब्लम, आपके ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम,
जितनी भी बीमारियां, थायराइड हो गया, राइट, अस्थमा हो गया, जितनी भी बीमारियां आप सुनते हैं ये सब है नॉन कम्युनिकेबल। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने किसी दोस्त के गले मिले, उसको डायबिटीज थी और आपको भी डायबिटीज हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी से हाथ मिलाया, उसका बीपी हाई था तो आपको भी बीपी हाई हो गया। तो पहली बात यह समझनी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही आज मेन खतरा है। आज किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओ, आप वहां देखेंगे 90% तक पेशेंट वहां पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के हैं, करंट समय को छोड़ दें तो। ये तो कोरोना ने पूरा बिगाड़ दिया हिसाब किताब। अदरवाइज जो चल रहा था वो ये था कि मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के होते हैं, राइट। और ये अंदर अंदर पैदा होती हैं। क्यों पैदा होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है, इनका इलाज बहुत महंगा होगा, इनका इलाज सालों साल चलता है, ये कभी जल्दी से ठीक नहीं हो पाती, और 100% जान पर रिस्क होता है, मरने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूं तो जो मैंने बात की थी कि 95% लोग बीमार होकर मरते हैं वो कोई ना कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण ही मरते हैं, जिनको मैं एक नाम दे रहा हूं, ऑर्गेन डिसऑर्डर, राइट। और इसमें अगर हम प्रिवेंट कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है, आप सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो। आपने कहावत सुनी थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जरूर सुनी होगी। आज मैं उसमें एक दो वर्ड और जोड़ रहा हूं, आज से ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन इज इजी, इकोनॉमिक एंड बेटर देन क्योर, राइट। सो प्रिवेंशन अगर करेंगे वो इजी भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा, और बेटर देन क्योर तो पहले से ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये होता कैसे, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होना शुरू कैसे होती स्टार्ट। सो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जिनको मैं नाम दे रहा हूं ऑर्गेन डिसऑर्डर, मैं नहीं दे रहा हूं, इट्स गिवन बाय द मेडिकल साइंस। सो सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू कहां से होती है, इंसान पैदा हुआ हेल्दी फिर मरता है बीमार, तो शुरुआत कहां से होती है। तो देखिए मैंने नीले कलर में तीन चीजें लिखी है, हरी, वरी एंड करी, राइट। तो शुरुआत होती है यहां से। हरी मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी, आदमी इतना आज भाग रहा है, इतना दौड़ रहा है, जिसके कारण उसकी बॉडी में एंजाइटी पैदा होती है, राइट। और ये एंजाइटी कई तरह के हृदय रोग, कई तरह के ब्रेन रोग को डेवलप करती है। वरी अगेन वही चिंता, हमेशा चिंता में रहना, टेंशन में रहना, तो कई तरह के हार्मोन डेवलप होते हैं, होमोसिस्टिन उसमें से मेन है, और ये कई तरह के हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करता है। और तीसरा है करी, ये जो आजकल हानिकारक मसाले, तेल, तला भुना, बिना विटामिन का खाना, ये जो सब हम लोग खा रहे हैं, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। तो तीन शब्द हैं, हरी, वरी एंड करी। अब इन तीन चीजों के कितने भयंकर असर शरीर पे होते हैं उसको कभी फुर्सत में बात करेंगे, आज तो हम मेन स्टडी करने वाले हैं। अब इन तीन चीजों को या तो हम बिल्कुल छोड़ दें, हम बिल्कुल हरी में ना रहें, हम बिल्कुल वरी ना करें, और बिल्कुल करी ना खाएं, क्या पॉसिबल है? ना, ये मुश्किल होगा। लेकिन इनके जो प्रभाव शरीर पे होते हैं उन्हें हम कैसे खत्म कर देंगे, ये मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज यहां से शुरू होती है, आइए इसके बारे में हम बात करें कि कैसे हम इनको खत्म कर सकते हैं। तो इसका समाधान है स्वास्थ्य ग्रह, यानी कि वेलनेस मंत्रा को फॉलो करना। ये तीन चीजें तो लाइफ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप वेलनेस मंत्रा फॉलो करते हो तो आप इन तीनों के असर को 99% तक अपने शरीर में खत्म कर सकते हो। तो क्या है स्वास्थ्य ग्रह या वेलनेस मंत्रा, EARN, चार शब्दों को मिला के एक वर्ड बन गया अर्न। जैसे वेल्थ को अर्न करते हैं ऐसे ही हेल्थ को भी अर्न करना होगा। तो E स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, A स्टैंड फॉर एटीट्यूड, R स्टैंड फॉर रेस्ट, और N स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन। तो ये चार चीजें हैं हमारे स्वास्थ्य के चार पिलर। तो ई फॉर एक्सरसाइज, कितना करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा रोजाना, ज्यादा करें तो आपकी श्रद्धा है और ज्यादा फायदा होगा। क्राइटेरिया ये है कि कम से कम बस पसीना माथे पे जरूर निकल आए। उसके बाद है ए, एटीट्यूड, हमें हमारी जो सोच है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रखना चाहिए, इससे बहुत फायदे होते हैं। आर का मतलब है रेस्ट, भरपूर रेस्ट, कम से कम 8 घंटे का रेस्ट हमें लेना चाहिए। रेस्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं रात में, अगर हमने रात में मोबाइल को रिचार्ज किया तो नेक्स्ट डे मोबाइल अच्छी परफॉर्मेंस करेगा,
अगर रिचार्ज नहीं किया तो अगले दिन बंद रहेगा। तो रेस्ट भी कुछ ऐसा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। और एन का मतलब है न्यूट्रिशन, एक संतुलित आहार, एक पूरी डाइट हमें मिलनी चाहिए। अब इसके बारे में बात करेंगे। ई ए आर, ये जो तीन शब्द हैं, इन तीनों का रोल है आपके स्वस्थ रहने में 30% और अकेले एन का रोल है 70%। अगर आपने न्यूट्रिशन पार्ट को अच्छे से संभाला, अच्छे से ध्यान दिया, तो समझिए आपने स्वस्थ रहने का 70% काम कर लिया। अगर आपने न्यूट्रिशन पार्ट को अच्छे से नहीं संभाला तो समझ लीजिए आपने बीमार होने का 70% काम कर लिया। इट वर्क ईदर साइड, ये बीमार करने में भी रोल करेगा अगर उसको ध्यान नहीं दिया, और ये स्वस्थ करने में भी रोल प्ले करेगा अगर आपने उसका ध्यान दिया। तो 70% रोल न्यूट्रिशन का है, इसके बारे में हम थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। आइए समझते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो अभी आपके सामने एक ह्यूमन बॉडी आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप बात भी करना, मुझे आपकी आवाज सुनाई ना दे भले ही, बट आप जरूर जवाब देना, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ये एक ह्यूमन बॉडी है। सो ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों की जरूरत है या खाने की जरूरत है, बताएं आप लोग। सो डेफिनेटली खाने की जरूरत है। ऐसा कोई भी फंक्शन हमारे शरीर में नहीं है जो दवाइयों के अंदर जाने के बाद शुरू होगा। ऐसे सारे फंक्शन है जो खाना अंदर जाने के बाद शुरू होते हैं। दवाई कोई स्वस्थ इंसान अगर 2 साल 10 साल भी ना खाए तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर कोई स्वस्थ इंसान खाना 21 दिन ना खाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। सो बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है फूड, खाना। अब क्या होगा, खाना अंदर जाएगा, बॉडी उसे प्रोसेस करेगी। 90% तक खाना बॉडी रिजेक्ट कर देती है, वेस्ट बन के बाहर निकल जाता है, एंड बॉडी रिटेन्स ओनली 10%, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, राइट। अच्छा, आप में ऐसा कोई है जितना खाना खाता है सारा अंदर रख लेता है? नॉट पॉसिबल। 2 या 3 दिन रख पाओगे, चौथे दिन हॉस्पिटल आना पड़ेगा कि मेरे को तो आई नहीं रही, निकलवाओ, राइट। सो बॉडी रिटेन करती है सिर्फ 10% और उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में 6 चीजें होती हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर। तो ये 6 चीजों को एक वर्ड बोल देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ओके। अब इन 6 चीजों का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, कितना भी डाल दे चलेगा या कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे आप कार चलाते हो तो टायर में 35 प्रेशर चाहिए, आपके घर में कोई लाइट जल रही है उसको 230 वोल्ट चाहिए, आप खाना बना रहे हो कुकर में 3 सीटी मारनी होगी। तो अगर आप देखें कि हर चीज का एक ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड होता है, इसी तरह हमारे शरीर का भी इन 6 चीजों का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है जिसका नाम है RDA, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो कितना होना चाहिए, मजे की बात यह है, हमें दुनिया भर की बातें मालूम है, हमें हर चीज का ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड मालूम है, लेकिन मैंने देखा मोस्ट ऑफ द पीपल को हमारे खुद के शरीर का ये मालूम नहीं होता है, प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन कितना चाहिए, मिनरल्स कितना चाहिए, और यहीं से गड़बड़ की शुरुआत हो जाती है। तो आज मैं आपको बता दूं, मेडिकल साइंस ने इसका एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है जिसका नाम है RDA। तो कितना कितना होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। प्रोटीन चाहिए 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट, 1 किलो वजन के लिए 1 ग्राम। तो जितना आपका वजन उतने ग्राम आपको प्रोटीन रोजाना चाहिए, 60 किलो वाले को 60 ग्राम, 80 किलो वाले को 80 ग्राम। तो अनूप सर को कितना चाहिए, 62 ग्राम। अब चलते हैं विटामिन्स, 13 तरह के विटामिन्स, 11 तरह के मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट हमें बेसिकली एनर्जी देता है हमारे काम करने के लिए, तो 2000 किलो कैलोरी के लिए जितना चाहिए वो हमें खाना होगा। 20 ग्राम फैट ऑयल हमें रिक्वायर्ड है, इसका बस एक ही काम है, कुछ विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, तो ताकि वो विटामिन बॉडी में यूज हो सके जो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो 20 ग्राम तेल की हमें रोजाना रिक्वायरमेंट है, और वाटर 8 से 10 ग्लास पानी की हमें रोजाना जरूरत होती है। तो ये 6 चीजें अति आवश्यक है शरीर के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए। अब सवाल ये आता है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद बॉडी ने उसे प्रोसेस किया, 10% जो उसमें न्यूट्रिशन थे वो बॉडी ने अंदर रख लिए, जो 90% पार्ट वेस्ट था वो बॉडी ने वापस बाहर स्टूल के रूप में निकाल दिया। अब जो विटामिन बॉडी ने अंदर रख लिए, इसका बॉडी क्या करेगी,
इकट्ठा करती रहेगी या इसको यूज करेगी। इकट्ठा करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्यों करेगी और कब तक करेगी, देयर इज नो एंड देन। सो इस न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी यूज करती है। कौन यूज करेगा? हमारी बॉडी के ऑर्गेन यूज करेंगे। सो जैसे आपने सुना होगा, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, आंखों को विटामिन ए चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए। सुना है कि नहीं सुना है? मैं देखता हूं अगर मैं किसी गांव में भी जाता हूं, खेड़ गांव में, तो वहां भी इन तीन चीजों के बारे में लोगों को पता है। हाँ जी, आंखों की अच्छी रोशनी के लिए विटामिन ए चाहिए, हड्डियां मजबूत रहे अच्छी रहे तो कैल्शियम चाहिए, और खून अच्छा रहे, हीमोग्लोबिन 13.5% रहे तो हमें आयरन चाहिए। इन तीन ऑर्गन के आगे मैं देखता हूं कि आम जनता को कोई जानकारी नहीं है। आइए आज मैं इस टॉप सीक्रेट को आपके सामने ओपन कर देता हूं कि हमारे किस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट क्या है। राइट, सो यहां पे कुछ ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं और ये उनकी रोजाना की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। सबसे ऊपर हमारा ऑर्गन है बाल, हेयर। उनकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन एंड विटामिन बी। सेकेंड ऑर्गन है ब्रेन, B6, B12, B9 एंड ओमेगा 3। फिर उसके बाद है आईज, हमारी आंखें, विटामिन ए। उसके बाद हमारे टीथ एंड बोन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी। देन हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है थायराइड। गले में एक ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड कहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है विटामिन बी, आयोडीन, ओमेगा 3 एंड पानी। देन लंग्स, विटामिन सी, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हार्ट एंड आर्टरीज। उनको चाहिए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन, कोएंजाइम्स, ओमेगा 3 एंड एलिसिन। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके शरीर का, इसकी रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा है। देन आगे लीवर एंड स्टमक, दोनों की रिक्वायरमेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर। देन किडनी, विटामिन सी, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैनक्रियाज, उसकी रिक्वायरमेंट है विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन एंड फाइबर। देन आपका ब्लड, ब्लड की रिक्वायरमेंट है आयरन एंड विटामिन के। और लास्ट में सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा स्किन, उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन ई। अब इसको मैं एक आम भाषा में समझाऊंगा। ऐसा मान लीजिए आपका शरीर एक कंपनी है और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके एम्प्लॉई हैं, और जो न्यूट्रिशन सामने लिखे हैं ये उनकी सैलरी है। राइट, सो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। अगर एज ए ओनर ऑफ द कंपनी आप अपने हर एम्प्लॉई की सैलरी समय पे और एकदम भरपूर मात्रा में दे रहे हैं तो क्या सीन बनेगा? आपका हर एक एम्प्लॉई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, तन मन से आपको परफॉर्मेंस देगा। राइट, अगर आप सैलरी में कटौती करेंगे, समय पे नहीं देंगे, तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉई का मनोबल डाउन होगा, वो भी काम में उतनी रुचि नहीं दिखाएंगे, सारा दिन गपशप में और कंपनी मालिक की बुराइयों में समय बिताएंगे। जैसा वहां पे होता है एग्जैक्टली वैसा ही आपके शरीर में होगा। आपका शरीर एक कंपनी है, आप इस कंपनी के मालिक हो, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये आपके एम्प्लॉई है और उनकी सैलरी है ये न्यूट्रिशन। अगर आप भरपूर मात्रा में आरडीए के हिसाब से और एकदम समय पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, आपका हर एक ऑर्गन आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, आपके लिए दिलो जान से काम करेगा। राइट, अब क्या होगा अगर विटामिन ना मिल पाए? जिस विटामिन की बॉडी में कमी हो जाएगी, जिस ऑर्गन को वो चाहिए था, वो ऑर्गन आपका धीरे धीरे डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। बालों को प्रोटीन विटामिन बी नहीं मिलेगा तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेन को नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम द हेडेक, देन माइग्रेन एंड ट्यूमर तक ये मामला जा सकता है। आईज को विटामिन ए नहीं मिलेगा तो रेटिना पीछे हटेगा, आई साइट कमजोर होगी, चश्मा लगने की नौबत आएगी। चश्मा लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि बाद में नंबर और बढ़ जाएगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी रही तो। इसी तरह हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों की जो बीमारियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, जगह जगह दर्द होना, दांतों में डीके, कैविटीज हो जाना, ये सब चालू हो जाएगा। थायराइड की बीमारी क्या है? हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। जो भी आपके वो हार्मोन्स बनते हैं वो आपके ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे और ये आपकी बॉडी में हाइपर या हाइपोथायराइड की बीमारी हो जाएगी। लंग्स में क्या होगा? सांस लेने में दिक्कतें,
देन अस्थमा हो सकता है, टीबी हो सकता है। हार्ट का मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। लीवर, स्टमक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर की कमी से आपके सबसे पहले इनडाइजेशन नजर आएगा, फिर गैस, एसिडिटी, देन अल्सर, पाइल्स, कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। किडनी का काम एक ही है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन, यूरिया को बाहर निकालना। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा और बॉडी में इन तीनों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपको स्वेलिंग वगैरह की शिकायत हो जाएगी, बाद में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। पैनक्रियास, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, विटामिन सी, ई, प्रोटीन, फाइबर अगर लगातार मिलता रहेगा तो पैनक्रियास में रेगुलरली बीटा सेल्स जनरेट होते रहेंगे, और बीटा सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें से इंसुलिन सिक्रेट होता है, और इंसुलिन हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को हमारी सेल्स में भेजता है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा तो हमारे ब्लड में से ग्लूकोज हमारी सेल्स में नहीं जा पाएगा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी डायबिटीज हो जाएगी। सो पैनक्रियास को भी ये विटामिन देना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बॉडी में सारा खेल न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन कंप्लीट तो बॉडी का हर एक ऑर्गन आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और विटामिन इनकम्प्लीट तो समझ लीजिए ऑर्गन डिसऑर्डर कभी ना कभी चालू होने वाले हैं। ओके, आपको मैं एक बात बताऊं, ये सारा पता नहीं आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, बस एक बात ध्यान रखना, अगर कभी लगे कि कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो चुकी है। अब आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, अपने विटामिन पूरे करने की जरूरत है। जैसे ही विटामिन पूरे हो जाएंगे आपका ऑर्गन आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा, राइट? सो ये ध्यान रखिए, हर एक ऑर्गन को डे टू डे फंक्शन करने के लिए विटामिन की जरूरत है, अगर वो इनकम्प्लीट होंगे तो कभी ना कभी ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑर्गन है ब्लड, उसकी रिक्वायरमेंट है आयरन और विटामिन के। तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाएगा। खून में एक होता है थक्का बनना, जो कि चोट लगने पे तुरंत कितनी देर के बाद आपका खून बहना बंद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन स्किन, उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन, विटामिन डी एंड विटामिन ई। अगर इनकी कमी होगी तो स्किन संबंधित बीमारियां शुरू हो जाएंगी, राइट? सो ये ध्यान रखिए, आपके आपका शरीर एक कंपनी है, आप कंपनी के मालिक हो, आपके ऑर्गन आपके एम्प्लॉयज हैं, और ये न्यूट्रिशन उनकी सैलरी है, तो उनकी सैलरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यस, 100% उनकी सैलरी आपको देनी होगी, तभी आप अपने ऑर्गन से एक बढ़िया परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हो। अब मैं हार्ट पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो हार्ट में दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक होती है हार्ट असेंबली के अंदर और दूसरी होती है आर्टरीज के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, आर्टरीज में ही 98% जो आज सफरर है वो आर्टरीज के सफरर है, और हार्ट में तो खाली इतना ही होता है कि हार्ट थोड़ा वीक हो जाता है, उसकी जो पंपिंग पावर है, जो उसमें कैटरेक्स पैदा होता है, करंट पैदा होता है, वो कम हो जाता है। तो उसको हम बढ़ा सकते हैं प्रोटीन एंड ओमेगा 3 के जरिए, ताकि हमारा हार्ट हमेशा अच्छी पंपिंग करता रहे। अगर किसी को इनकी समस्या आती भी है तो उसके लिए इंतजाम है पेसमेकर, तो पेसमेकर लगा के हार्ट की पंपिंग को हम नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं। बट जो मुख्य समस्या है वो है आर्टरीज की, तो आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा हो जाता है, और उस ब्लॉकेज के कारण ही फिर बड़े बड़े रिस्क हमें बन जाते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, और जिनमें डेथ के काफी चांस बन जाते हैं। तो आर्टरीज में ब्लॉकेज बनते क्यों है, आज मैं बताऊंगा। बॉडी हमारी देखा जाए तो एक बहुत ही ऑटोनोमस सिस्टम है, जहां पर खुद ब खुद बॉडी मैनेज कर सकती है, अगर आप हर चीज आपके शरीर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहा हूं। एक तरफ लिखा है मैंने ब्लॉकर्स और एक तरफ मैंने लिखा है क्लीनर्स। ब्लॉकर्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ जाइए, वेटिंग रूम में बैठेंगे तो दीवारों पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। समझिए, आप गए डॉक्टर बैनर्जी के यहाँ, जो कि एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, तो दीवारों पे लिखा रहेगा स्मोकिंग करने से होता है, दारू पीने से होता है, ज्यादा तेल खाने से होता है, टेंशन लेने से होता है, लेकिन ये नहीं लिखा जो ब्लॉकेज बना इसको साफ कौन करेगा, क्लीनर कौन है, और क्लीनर में उसका नाम लिखा होता है डॉक्टर बैनर्जी इज द क्लीनर, ब्लॉक करके आप आ जाओ, क्लीन मैं कर दूंगा। आज मैं आपको समझाता हूं कि नेचुरली ये कैसे रहता है। सो आपके शरीर में दो चीजें काम करती हैं, एक का नाम है ब्लॉकर्स और दूसरे का नाम है क्लीनर्स, दोनों में लड़ाई होती है। आप जिसको मजबूत बना के रखोगे वो जीत जाएगा,
जैसे हम कभी स्टेशन पे जाते थे तो मैंने देखा वहां पे डायलॉग एक स्लोगन लिखा होता था, रेलवे और गंदगी में छिड़ी है जंग, बताइए आप है किसके संग। तो हम तो एक बिस्किट के पैकेट का जो पैकेट था ना उसे फेंकते थे, बोलते थे हम तो गंदगी के संग है। हम सबने किए ऐसे उल्टे उल्टे काम। सो आज मैं आपको बताता हूं आप किसके संग है। ग्लोकर्स और क्लीनर्स में छिड़ी है जंग, बोलो आप है किसके संग। आइए बात करते हैं कौन से वो तत्व हैं जो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। सो पहले तत्व का नाम है होमोसिस्टीन। ये क्या होता है, जब भी कोई आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में, कंसंट्रेशन में, या बहुत गुस्से में, और या वो बंदा बहुत कम हंसता है, तो उसके शरीर में होमोसिस्टीन नाम का एक हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है, और ये आर्टरीज को ब्लॉक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज जितने भी केस हो रहे हैं हार्ट डिजीज के, आर्टरीज ब्लॉकेज के, 80% तक रोल होमोसिस्टीन का है। अब इसका क्या करें, या तो आप ये चारों काम छोड़ दो, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, गुस्सा होना, बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर दो, और कंसंट्रेट ज्यादा मत करो, तो ये बनना कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, टेंशन गुस्सा तो आज जीवन के अभिन्न अंग हो चुके हैं, ये तो रहने वाले हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हो और उसमें वायरस आने का खतरा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक एंटीवायरस को इंस्टॉल कर देते हैं। तो वो वायरस को आने से नहीं रोक पाता, लेकिन आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं करेगा, आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं होने देगा, उसका काम ये रहता है। तो आप भी अपने शरीर में एंटी होमोसिस्टीन का मैनेजमेंट कर सकते हो, जिससे कि जो होमोसिस्टीन बनेगा उसके अफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएंगे। क्या है एंटी होमोसिस्टीन, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9 एंड फिजिकल एक्सरसाइज। तो जो भी होमोसिस्टीन बनेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा विटामिन के कारण, और विद फिजिकल एक्सरसाइज ये आपकी बॉडी से आउट हो जाएगा। सो चूंकि होमोसिस्टीन रोज बनता है, तो एंटी होमोसिस्टीन का इंतजाम हमें रोजाना करना होगा। सेकेंड फैक्टर वो है ऑक्सीडेशन, यानी एक तरह से जंग लगने की प्रक्रिया। किससे स्टार्ट होता है, स्मोकिंग, लिकर, पोल्यूशन एंड पैसिव स्मोकिंग। ये चार चीजों से हमारी बॉडी में जाते हैं फ्री रेडिकल्स, जो हमारे शरीर में जगह जगह ऑक्सीडेशन करते हैं, और ये आर्टरीज के अंदर भी करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम स्मोकिंग करना, लिकर लेना और पोल्यूशन में जाना छोड़ दें, और पैसिव स्मोकिंग को भी छोड़ दें। अब देखिए, स्मोकिंग ना करना, लिकर ना लेना आपके हाथ में है, लेकिन ये जो पोल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग है ये आपके हाथ में है ही नहीं। तो यानी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का जाना लगभग तय है। तो यहां पर हम एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी बॉडी में मैनेज करके इसके खतरे को 100% तक कम कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन ई। अब है तीसरा फैक्टर, वो है कोलेस्ट्रॉल। ये सबने सुना होता है कि कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने से हमें हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो किसके कारण बढ़ता है, ये ज्यादा तेल खाने से, ज्यादा नॉनवेज खाने से, और लीवर के डिसऑर्डर होने से। इन तीन कारणों से हमारे शरीर में, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये तीनों काम कम कीजिए, अगर ये नहीं कर सकते तो एंटी कोलेस्ट्रॉल, दैट इज प्रोटीन एंड ओमेगा 3, इसका इंतजाम हमें अपनी बॉडी में रखना होगा, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेज पैदा ना हो पाए। ये तो हुई मेडिकल इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में। सो ब्लॉकर्स को मान लीजिए आप सर्दी, और क्लीनर्स को मान लीजिए आप कपड़े, गर्म कपड़े। तो नॉर्थ इंडिया में आपने सुना होगा हर सर्दियों में आती खबरें कि अंबाला में सर्दी से 4 लोग मर गए, आगरा में सर्दी से 2 लोग मर गए, ऐसी खबरें आती हैं। जरा ध्यान से सोच के बताना, वो लोग सर्दी से मरते हैं या गर्म कपड़ों की कमी से मरते हैं? डेफिनेटली गर्म कपड़ों की कमी से मरते हैं। मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूं, अभी पुणे में रहता हूं, लेकिन मैं सहारनपुर से हूं, तो मैं भी वहां करीब 20 साल रहा। 20 सालों में 20 सर्दियां आई और मैं एक बार भी नहीं मरा। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे पास गर्म कपड़े थे। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर्दी कितनी है, फर्क इससे पड़ता है आपके पास गर्म कपड़े कितने हैं। अगर आपके पास सफिशियंट गर्म कपड़े हैं तो नॉर्थ इंडिया छोड़ो साहब, आप हिमालय पर्वत पे भी एकदम सुरक्षित रहोगे। आप चाइना में चले जाओ जहां माइनस में है, आप
और ऊपर रशिया में चले जाओ एकदम ऊपर जहां पर -40-50 टेम्परेचर है, तो भी आप एकदम सेफ एंड सुरक्षित रहोगे अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो सर्दी नहीं मारती, मारती है गर्म कपड़ों की कमी। सो दोस्तों हार्ट के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्लॉकर्स नहीं मारते, मारती है क्लीनर्स की कमी। और क्लीनर्स क्या है? क्लीनर्स सारे न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन B6, विटामिन B12, B9, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन्स, ओमेगा 3, इन सारों का इंतजाम रखिए, ब्लॉकर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, राइट? तो आप अपने ब्लॉकर, आप अपनी आर्टरीज को हमेशा क्लीन रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीनर्स, राइट? इनका मैनेजमेंट हमें करना होगा। अब चलते हैं आगे कि हमने सारी बात करी कि बॉडी में सारा खेल न्यूट्रिशन का है, हर एक ऑर्गन में न्यूट्रिशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब ये न्यूट्रिशन मिलता कहां से? सो न्यूट्रिशन का मेन सोर्स है खाना, और खाने को 3 भागों में बांटा गया है, Grade 1, Grade 2 and Grade 3। सो ग्रेड 1 में क्या क्या है? सब्जियां और फल। ग्रेड 2 में आते हैं दाल और दूध, और ग्रेड 3 में आते हैं नॉन वेज। सो ये ग्रेडिंग क्यों करी गई है? बहुत सारे रीजंस हैं कि किस खाने में नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है, नेगेटिव एलिमेंट्स कितने हैं, बॉडी पे कौन सा कितना असर डालते हैं। तो इस तरीके के कुछ 8 पैरामीटर थे, और उन सारे के सारे पैरामीटर में पास हो गए सब्जियां व फल, और इनको रखा गया ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में दाल और दूध है। दूध में कुछ बुराई नहीं है, बट एक फैट नाम की चीज है जो नुकसान कर सकती है, और साथ में प्रोटीन और कैल्शियम के अलावा बहुत कुछ नहीं मिलता, और दालों में तो सिर्फ प्रोटीन मिल पाएगा। तो सब्जियां और फल मल्टीपल न्यूट्रिएंट सोर्स है, और इसलिए वो ग्रेड 1 में रखा गया है। अब मुझे एक बात बताओ, बॉडी में सारा खेल न्यूट्रिशन का है, न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होने पर ही ऑर्गेन डिसऑर्डर शुरू होते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या हम खाना नहीं खाते हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन तो खाने से मिलता है। आज जिस हॉस्पिटल में देखो ऑर्गेन डिसऑर्डर के ही बीमार लोग हैं। आप अपने आजू बाजू में सर्वे कीजिए, हर घर में ऑर्गेन डिसऑर्डर से कोई ना कोई परेशान चल रहा है। तो क्या ये लोग खाना नहीं खाते थे? भरपूर खाना खाने के बाद भी पर्याप्त न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि बॉडी में सारा खेल न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन खाने से मिलता है। तो क्या हम खाना नहीं खाते? क्या वो लोग खाना नहीं खाते थे जो बीमार हैं? यस, सब खाना खाते थे, भरपूर खाना खाते थे, कभी कभी तो ओवर ईटिंग भी करते थे टेस्टी मिल जाए तो। क्योंकि खाने को जिस दशा में आज हम खा रहे हैं उसके कारण बहुत सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो ये 5 कारण है जिनके कारण हमारे खाने में से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कौन से कारण है? केमिकल व यूरिया का अधिक उपयोग, टाइम गैप, खेत में से और खाने तलक जितना टाइम गैप बनेगा उतना ही विटामिन नष्ट हो जाएगा, खाना बनाने का तरीका, स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज, खाने को बार बार या अधिक गर्म करना। इन 5 कारणों से हमारे खाने में से विटामिन नष्ट हो जाता है। यूरिया और केमिकल अकेले 2 ऐसे तत्व हैं जो खेत में खड़े सब्जियों और फलों के विटामिन को 50% तक नष्ट कर देते हैं। अब टाइम गैप के बारे में सुनिए, अगर हम खेत में से कटने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर सब्जियां व फल खा लें तो हमें 100% न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। अगर 24 घंटे के बाद खाओगे तो न्यूट्रिशन इवेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, अगले दिन खाने पे आपको 80% ही मिल पाएगा। 3 दिन के बाद खाएंगे 60%, 40%, 20%, ऐसे वो कम होता चला जाएगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, आज हम सारे केमिकल व यूरिया वाला ही सब्जी फल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 50% तो खेत में ही चला गया। अब बात करते हैं टाइम गैप की। सब्जी खेत में से कटी सीधे आपकी थाली में या पहले मंडी जाएगी? डेफिनेटली पहले मंडी जाएगी। मंडी से आपकी आजू बाजू की दुकान पे आएगी या सीधे थाली में आएगी? डेफिनेटली वो आजू बाजू की दुकानों पे आएगी। फिर आजू बाजू की दुकानों से आप लेके आएंगे, खाएंगे या फ्रिज में डालेंगे? डेफिनेटली आप उसे फ्रिज में डालेंगे, और उसके बाद 2-3 दिन वो वहां विश्राम करेगी। फिर एक दिन आप फ्रिज खोलेंगे कि चलो आज ये सब्जी बनाते हैं। आप सब्जी को देखते हो, सब्जी आपको देखती है, और सब्जी हाथ जोड़ के बोलती है, बहन जी अभी चाहे खा लो चाहे छोड़ दो, मेरे अंदर कुछ नहीं है। और हम अकड़ के बोलते हैं, छोड़ कैसे दे कलमुई, पैसे लगे हैं, खाएंगे जरूर चाहे मिले कुछ ना, थोड़ी बहुत ही खराब भी है तो काट फाट के निकल देंगे। तो इस तरीके से आज हम खाने को खाते हैं।
ये दशा हो चुकी है। सो खाना खाने के बावजूद भी हमें विटामिन नहीं मिल पाते, क्योंकि ये पांचों कारण आज हमारे खाने में से विटामिन को नष्ट कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। चूंकि जैसा मैंने आपको बताया, वे सभी पांच कारण आज हम सबके खाने में अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं। टाइम गैप भी है, यूरिया भी है, बार बार गर्म करना भी है, स्टोरेज भी है। तो क्या हो रहा है, ये हमारी एक थाली है और इसमें से न्यूट्रिशन मिल पा रहा है मुश्किल से 10-20%। फिर कोई भी आदमी 4-5 दिन के बाद ही सब्जियां फल खा पा रहा है और विटामिन मैक्सिमम उसका नष्ट हो जा रहा है। तो जो हम खाना आज खा रहे हैं वो हमें न्यूट्रिशन देता है 10-20% और एक कमी बनना शुरू हो जाती हो जाना 80-90%। और ये जो हर रोज 80-90% की जो कमी होती है, यही आगे चलकर हमारे ऑर्गन को डिसऑर्डर करती है। आप ही सोचो जरा, आपकी बाइक में 35 पाउंड टायर प्रेशर चाहिए था और एक दिन आपने देखा कि केवल 12 है, चलेगा? नहीं चलेगा। आपको जो भी सैलरी मिलती है अगर 80% कम कर दें, ऑफिस जा पाओगे? काम कर पाओगे? बहुत ही दुखी हो जाओगे। तो इसी तरह हमारे ऑर्गन भी काम नहीं कर पाते हैं 80-90% कमी होने के कारण। तो मेडिकल साइंस यहाँ पे ये कहती है, अगर ये 80-90% की कमी आप ना होने दें तो आप सभी ऑर्गन डिसऑर्डर से बच सकते हो, राइट? सो मुख्य है ये कमी, जिस तरह से आज हम जी रहे हैं, जिस तरह का खाना हमें मिल पा रहा है, उसके कारण हमारे शरीर में 80-90% की कमी रोजाना बनती है और ये एक दिन ऑर्गन डिसऑर्डर की शुरुआत करती है। तो क्या हमें ये कमी पूरी करनी चाहिए? यस, इसे हमें पूरा करना चाहिए। कैसे पूरा करें? एक तरीका तो ये, खेतों में शिफ्ट हो जाओ और किसान को बोलो, अंकल जी यूरिया फूरिया मत डालिए, हमें एकदम ऑर्गेनिक सब्जी दे दो और डेली सब्जी लो और डेली खाओ, तो सारा विटामिन आपको मिलेगा और आप 100% विटामिन को पूरा कर। आप खेतों में जा सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो सेकंड सॉल्यूशन है इसका, फूड सप्लीमेंट्स। जो विटामिन हमें लेने चाहिए और जो हमें मिल पाते हैं उनमें जो गैप बन जाता है, उसे भरने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है फूड सप्लीमेंट्स। अब फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? हिंदी नाम है भोजन संपूरक, खाने की कमी को पूरा करने वाले। सो फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सब्जियों, फलों व वनस्पतियों से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं, टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में बनाए जाते हैं और अगले 2 साल तक विटामिन नष्ट ना हो ऐसा इंतजाम किया जाता है। फूड सप्लीमेंट्स 100% नेचुरल होते हैं, साइंटिफिकली रिकमेंडेड होते हैं, मेडिकली अप्रूव्ड होते हैं, हर दिन की डेफिशिएंसी को डेली बेसिस पर पूरा करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी ऑर्गन डिसऑर्डर से हमको बचाते हैं। अच्छा, आपने सप्लीमेंट का नाम पहले कब सुना था? जब हम स्कूल में थे, हम एग्जाम लिख रहे थे और हमें करने थे 10 सवाल हल और 5 सवाल होते होते हमारी कॉपी भर गई। तो हमने टीचर से कहा, सर कॉपी भर गई, तो टीचर ने कहा था सप्लीमेंट कॉपी ले लो। मैंने ये वर्ड पहली बार सुना, मैंने कहा सर क्या ले लूं? तो बोले सप्लीमेंट कॉपी ले लो। मैं फिर समझ नहीं पाया, मैंने पूछा सर क्या ले लूं? तो गुस्से में बोले अरे वहां से एक कॉपी और उठा ले। तो मुझे समझ में आया कि एक्स्ट्रा कॉपी को बोलते हैं सप्लीमेंट। तो मैंने फिर 2 सप्लीमेंट कॉपी ली और मेरे 10 के 10 सवाल हल किए। अब अगर मैं जिद पकड़ लूं कि मैं सप्लीमेंट कॉपी तो नहीं लूंगा तो क्या होगा? मैं 5 से 7 सवाल से ज्यादा हल नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे नंबर कम आएंगे या मैं फेल हो जाऊंगा। तो सप्लीमेंट लेना वहां पर समझदारी थी, ताकि हमारे नंबर ज्यादा है और हम पास हो जाएं। तो उसी तरह आज आपको भी सप्लीमेंट्स के जरिए अपने बॉडी की रोजाना की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। शुरुआत कैसे करें? सो जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट को अपनाना चाहिए। आज वही लोग ऑर्गन डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पे निर्भर रह गए। जो लोगों ने समझदारी दिखाते हुए अपने डेली के खाने में सप्लीमेंट्स को ऐड कर लिया, वो लोग एकदम स्वस्थ हो चुके हैं और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। शुरुआत कैसे करें? आज मान लीजिए पहली बार आपने इस थ्योरी को समझा कि हमारे ऑर्गन कैसे बिगड़ते हैं और कैसे वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो शुरुआत करनी है फुटपैथ से। तो 5 रात लगाएं और हर 4 महीने के बाद इसको रिपीट करें। साथ में नोनी व गैनोडर्मा नाम के सप्लीमेंट लें, एक एक कैप्सूल सुबह लीजिए खाली पेट गर्म पानी से और 30 दिन तक लगातार खाइए, और इसको भी हर 4 महीने के बाद रिपीट करना है।
यानी कि फुट पैच का एक कोर्स 5 दिन का होता है, गैनोड्रमा नोनी का एक कोर्स 30 दिन का है। इसे करने के बाद आप 4-4 महीने के बाद रिपीट करते रहें, साल में 3 बार इनको रिपीट करना है। और ये 3 सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना और फ्लेक्स ऑयल, इन तीनों को तो बिल्कुल भोजन की तरह अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। सो प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना एंड फ्लेक्स ऑयल, ये एज अ रूटीन आपके सर के बालों से लेके नीचे पैर के नाखून के अंगूठे तक हर ऑर्गेन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये 3 सप्लीमेंट सफिशियंट हैं। तो ये हुई हेल्दी आदमी को हेल्दी रहने की बात। अगर पहले से कोई ऑर्गेन डिसऑर्डर हो चुका है तो उसके बारे में आप हमसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब एक और, जैसे आज के टाइम में हम क्या करें, कोरोना चल रहा है, बहुत जोरों से चल रहा है, तो कोरोना की थ्योरी समझिए पहले, बहुत ही डेंजरस वायरस है, बिकॉज इसकी मेडिसिन अभी तक खोजी नहीं जा सकी। जब मेडिसिन मिल जाएगी तो ये नॉर्मली ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली सलाह मैं आपको दूंगा, आज गवर्नमेंट कह रही घर से बाहर मत जाओ, बार बार हाथ धोते रहो, मुंह के ऊपर आप मास्क या रुमाल बांध के रखो, ठीक है, बार बार हाथों को मुंह से नाक के पास मत ले जाओ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वायरस ना आने पाए। तो इसमें एक चीज आपको और हेल्प करेगी, वो है आपका एयर प्यूरिफायर, क्योंकि आप सारी एहतियात बरत रहे हो, आप बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जा रहे हो, आप बिल्कुल हाथ धो रहे हो बार बार, मुंह पे मास्क भी बांध के रखे हो, लेकिन कुछ चीजें आपके घर में अभी भी आ रही हैं। दूध का पैकेट आ रहा होगा, सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहे हैं, राशन आ रहा है, कोई ना कोई चीजें आ रही हैं। अगर उसके बावजूद भी, भरपूर एहतियात बरतने के बावजूद भी घर में वायरस आए, तो शार्प एयर प्यूरिफायर आपके सराउंडिंग्स को एकदम क्लीन कर देगा, जो भी वायरस उसके खींच लेगा फिल्टर के अंदर, और अगले 24 घंटे में वो वहीं बैठा बैठा मर जाएगा। तो एयर प्यूरिफायर आपको हेल्प करेगा आपके घर की हवा को एकदम वायरस फ्री करने के लिए। एंड सेकंड, ये 4 सप्लीमेंट है, ये क्या करेंगे, ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगे, क्योंकि मैंने कहा जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उनको भी वायरस असर नहीं करेगा। तो मान लो सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद वायरस बॉडी में आया, तो आपकी इम्यून सिस्टम उसको फाइट करेगी और आपको बचाएगी। तो कौन से सप्लीमेंट चाहिए, सी बकथॉर्न, आमला, स्पिरुलिना और कोलेस्ट्रम, ये 4 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे। अगर वायरस अंदर आ भी गया तो आपको असर नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज पूरी बॉडी की थ्योरी आपको समझाई कि आपकी बॉडी में ऑर्गेन डिसऑर्डर्स कैसे शुरू होते हैं और कैसे ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो 4 याद रखिएगा, स्वास्थ्य ग्रह यानी कि वेलनेस मंत्रा। वेलनेस मंत्रा क्या था, EARN, मतलब EARN मतलब क्या है, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। ये 4 चीजों को आपको ध्यान रखना है, डेली फॉलो करना है, और साथ में न्यूट्रिशन को लेके आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, राइट। सो दैट्स इट फॉर